हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। एक व्यूवर ने कमेंट किया कि सर ईंट का साइड व्यू बनाएं, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को अच्छे से समझाते हुए। तो आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि ईंट का साइड व्यू कैसे बना जाता है उसको सही ढंग से समझाने की। जब भी हम कोई स्टिल लाइफ बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई और टोटल ऊंचाई को चेक करना। ये काम हम जहां पर बैठे हैं वहीं से हमने करना है। हम हाथ को सीधा रखेंगे और सबसे पहले ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई को चेक करेंगे। टोटल लंबाई इस ऑब्जेक्ट की इतनी है और जब हम इसकी टोटल ऊंचाई को चेक करेंगे तो ये ऊंचाई लंबाई से थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने कागज को लंबाई के अनुसार पकड़ना है। अब दूसरा काम होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के अनुपात को समझना। ये अनुपात भी हम वहीं से देखेंगे जहां पर हम बैठे हैं। वही काम हमने करना है कि हाथ को सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को देखेंगे कितनी है। तो ये ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है। अब इस चौड़ाई को हम कंपेयर करेंगे इसकी ऊंचाई से। यहां पर हम देखते हैं कि जितनी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है उतनी ही ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। ये बाई चांस है हमारे सामने, ये कम ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर चौड़ाई का और ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 1:1। अब इसी ऊंचाई को हम कंपेयर कर लेंगे इसकी लंबाई से। लंबाई का एक हिस्सा इतना होगा, दूसरा हिस्सा इतना होगा, ये इसके 2 गुने से थोड़ी सी ज्यादा है। हम एक बार फिर देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई हमारे सामने इतनी है। जब हम इस चौड़ाई को लंबाई से कंपेयर करेंगे तो ये एक हिस्सा, इसके बाद ये दूसरा हिस्सा और थोड़ी सी जगह बचेगी, ये इसके 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। हमारे सामने जो मॉडल है उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, एक ईंट है और एक गिलास है। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम कंपेयर कर चुके हैं। अब हमने ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से कंपेयर करना है गिलास की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को। अगर हम ईंट की ऊंचाई को दोबारा से देखें तो ये इतनी है। इसी ऊंचाई से हम कंपेयर करेंगे गिलास की चौड़ाई की। तो गिलास की चौड़ाई को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये ईंट की ऊंचाई से थोड़ा सा कम है। और जब हम इसकी हाइट को देखते हैं तो हाइट इसकी, ईंट की जो हाइट है उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। इसके बाद हम गिलास की चौड़ाई को भी देख लेते हैं नीचे से। नीचे से गिलास की चौड़ाई इतनी है और इससे अगर हम ऊपर की चौड़ाई को कंपेयर करते हैं तो ये इससे 2 गुने से 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा। इन अनुपात के बाद हमने इन पॉइंट्स को देखना है। एक पॉइंट हमारे सामने ये है, दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये है और तीसरा पॉइंट हमारे सामने इधर है। अगर हम ये देखें कि इससे ये पॉइंट कुछ दूरी पर है तो ये दूरी जो है, ये गहराई जो है, यहां तो हमारे सामने है परंतु कागज हमारा क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी होता है, तो ये जो दूरी है ये ऊंचाई के तौर पर हम कागज पर दिखाते हैं। अब ये जो बिंदु है ये हमने कहां लेना है कागज पर, उसके लिए हम कंपेयर करेंगे ये जो ऊंचाई है हमारे सामने, इस ऊंचाई के सामने किस जगह पर यह बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमने पेंसिल को ऐसे पकड़ना होता है, पेंसिल बिल्कुल क्षितिज रेखा के रूप में होगी और पेंसिल को हम रखेंगे इस सिरे के नीचे। तो ऐसा करने से हमारे सामने वो बिंदु आ जाएगा जहां पर हम इस बिंदु को लेंगे। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो ये जो ऊंचाई है हमारे सामने, ये इसके मध्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे ये बिंदु है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, उससे थोड़े से नीचे एक बिंदु के सामने ये बिंदु हम ले लेंगे। इसी प्रकार जब हम दूसरे बिंदु को देखेंगे, वो सामने वाला, तो उसके लिए फिर हमने ऐसे ही पेंसिल को पकड़ना है और ऐसे सिद्ध में हम लेके आएंगे। तो उस बिंदु को अगर हम देखते हैं तो इसके मध्य बिंदु से वो ऊपर की तरफ है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो इन सभी अनुपातों का हमने ध्यान रखना है और इस ऑब्जेक्ट को बनाना है। ड्राइंग करते वक्त एक बात का और हमने ध्यान रखना है, ये जो लाइनें होते, किनारे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के, ये इतने सरल नहीं होते, सर बिल्कुल सरल रेखा की तरह से नहीं होते कि आप इसके अंदर पैमाने से इन लाइनों को खींचो, ये थोड़े से रफ होते हैं। इसके बाद जो हम शेडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, शेडिंग के अंदर ये क्योंकि स्टील का गिलास है हमारे सामने तो इसके अंदर आपको अलग अलग कहीं पर अलग अलग चमक दिखाई देंगी, इसका भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है।
सारे अनुपात देखने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहला काम वही है, चूंकि हम चेक कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की लंबाई ज्यादा है तो सीट को हमने लंबाई के अनुसार पकड़ा है। अगर ऊंचाई ज्यादा होती तो सीट को हम फिर इस तरह से ऊंचाई के अनुसार पकड़ते। अब लंबाई ज्यादा है तो सीट को हम ऐसे रखेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा काम है कि जितने ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई है वो हिस्सा हम बीच में रखते हुए सीट के दोनों तरफ बराबर दूरी छोड़ते हुए हम दो समानांतर लाइनें खींचेंगे जो सीट के किनारों के भी समानांतर होंगे। कोशिश हमने ये करना है ये लाइनें खींचते वक्त कि स्केल का प्रयोग हम ना करें। जितनी दूरी हमने एक तरफ छोड़ी है उतनी ही दूरी हम दूसरी तरफ छोड़ते हुए दूसरी लाइन लगा देंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के लिए नीचे एक बेस लाइन लगा देंगे जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को बनाना है। ये सीट का वो हिस्सा है जहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगला स्टेप है लंबाई और चौड़ाई का जो हमने अनुपात देखा था उसके अनुसार हम चलेंगे। अब हमने देखा था कि जितनी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है उससे दो गुना से थोड़े से ज्यादा ऑब्जेक्ट की लंबाई है, यानी कि इसके हम तीन हिस्से करेंगे। तीन में से एक हिस्सा हम इधर रखेंगे और दो हिस्से इधर रखेंगे। इधर का हिस्सा दो से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो पहले हम तीन हिस्से कर लेते हैं। ये जो मैंने तीन हिस्से किए हैं, एक हिस्सा इतना है और इस हिस्से की कंपेयर करता हूं मैं बाकी दो हिस्सों से, तो यहां पर अगर मैं दो बार काटने के बाद देखता हूं तो थोड़ी सी जगह बचती है, यानी कि ये अनुपात हमारा बिल्कुल सही है। एक हिस्सा ये यहाँ इधर है और इससे लगभग दो गुने से थोड़ा सा ज्यादा इधर है, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की चौड़ाई होगी और ये ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी। तो यहां से हम ऊंचाई के लिए लाइन खींच लेते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट की जितनी चौड़ाई है उतनी ही ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, तो चौड़ाई के बराबर हम खोलेंगे और इसको काट देंगे। इसके बाद हमने साइड वाले किनारों को कंपेयर किया था, तो इधर हमने देखा था कि इसका जो मध्य बिंदु है उससे थोड़ा सा नीचे ये वाला हिस्सा है और उससे ऊपर ये वाला हिस्सा है, तो इनको यहाँ नीचे से हम मिला देंगे। अब जितनी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यहाँ पर है इसी के बराबर हम दोनों साइड में भी हम काट देंगे। उसके बाद एक वस्तु चित्रण का सिद्धांत होता है कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं, तो ये वस्तु चित्रण का वस्तु का सबसे आगे का हिस्सा है और ये थोड़ी सी दूरी पर होंगे, तो इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे और सामने के इस ऊपर वाले हिस्से से मिला देंगे। इसके बाद ईंट की ये जो लाइन है इसके समानांतर हम यहां से खींचेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। ईंट को आप ऊपर से देखोगे तो ये आयताकार आकृति की होती है और ये जो भुजा है इसके समानांतर हम यहां से खींचेंगे। ये जहां मिलेगी वहीं पर ईंट का चित्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ईंट के ऊपर हमने गिलास बनाना है, तो गिलास बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा इसके बीचों बीच एक हम रेखा खींचेंगे जो बेस लाइन के समानांतर होगी। उसी तरह से ये जो हिस्सा है इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे और यहां से एक लंबवत रेखा खींच देंगे। अब गिलास की हाइट कितनी है वो भी हमने कंपेयर किया था ईंट की हाइट से। जितनी ईंट की हाइट है उसकी लगभग डेढ़ गुना, दो गुना अगर हम काटते हैं तो यहां तक जाता है, लगभग डेढ़ गुना गिलास की ऊंचाई थी, तो यहां तक हम गिलास को रखेंगे, तो ये गिलास की हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार गिलास की जब हमने चौड़ाई देखी थी ऊपर से, तो जितना ईंट का ये हिस्सा है ऊंचाई है इससे थोड़ी सी कम गिलास की चौड़ाई थी, तो हम क्या करेंगे इसके आधे के बराबर आधे से थोड़ा सा कम खोल लेंगे, आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा लेंगे, उसको आधा एक तरफ काट देंगे और आधा दूसरी तरफ, ये गिलास की ऊपर से चौड़ाई आ जाएगी और इसी चौड़ाई के अनुसार हम नीचे वाली जो चौड़ाई है उसको भी इससे कंपेयर कर सकते हैं। गिलास की जो साइड के किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, इनको हम सीधे मिला देंगे, इनमें कोई भी गोलाई नहीं है। ये हमने अपने ऑब्जेक्ट की बेसिक ड्राइंग कर ली है। ड्राइंग करने के बाद हमने इसके अंदर शेडिंग करनी है। शेडिंग के अंदर जो प्रकाश का प्रभाव है, हमें मान लेते हैं कि प्रकाश हमारा इस तरफ से आएगा और ये जो गिलास है ये स्टील का गिलास है, तो इसके अंदर अलग अलग चीजों की चमक हमें दिखाई देगी, तो उसका प्रभाव हमने अच्छे से दिखाना है इसके अंदर, और क्योंकि प्रकाश इस तरफ से है तो गिलास की परछाई भी इस तरफ से आएगी। ईंट का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो चमक में होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रकाश होगा तो इसकी बजाय ये हिस्सा थोड़ा सा डार्क होगा और इस हिस्से में सबसे ज्यादा डार्कनेस होगी इन तीनों की बजाय। तो चलिए शुरू करते हैं शेडिंग।